कोलकाता में मेडिकल छात्रा के रेप और मर्डर की घटना के विरोध में बिहार के आरा में आईएमए की ओर से सदर अस्पताल में ओपीडी सेवाएं बंद रखी गई। साथ ही आरा शहर के अन्य अस्पतालों के ओपीडी भी बंद रहे। वहीं जल्द न्याय की मांग सभी ने की है। विरोध में कैंडल मार्च भी निकाला गया। कोलकाता कांड के खिलाफ आक्रोशित डॉक्टरों ने आरा सदर अस्पताल में प्रदर्शन करते हुए खुद को मरीजों के उपचार से अलग रखा। पंजीकरण कक्ष को भी अंदर से बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से मरीजों के पर्चे नहीं बन पाए। दूर दराज से आए सैकड़ों मरीजों को बिना इलाज के ही वापस जाना पड़ा। हम लोग के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है, आप लोग इससे भलीभांति परिचित हैं। हम लोग ने परसों भी एक बार हड़ताल किया था, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो पा रही है, इसलिए आज ओपीडी बंद रखा गया है। इमरजेंसी चालू है, देख रहे होंगे हमारे सभी सीनियर डॉक्टर्स लेके जूनियर डॉक्टर सभी उपलब्ध हैं और इमरजेंसी सेवा चालू है, बाधित नहीं है। जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनको देखा जा रहा है, लेकिन ओपीडी पूर्ण रूप से बंद किया गया है। अगर आगे भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग के संगठन जो निर्णय लेगा हम लोग उस पर अटल रहेंगे। हम लोग के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है, आप लोग इससे भलीभांति परिचित हैं। लगातार मेडिकल छात्रा की हत्या और दुष्कर्म के विरोध में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। मगध मेडिकल अस्पताल में भी गया में डॉक्टर हड़ताल पर रहे, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। सभी ने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की है और कहा कि जब तक डॉक्टरों को सुरक्षा नहीं मिलती है इसी तरह वो हड़ताल करते रहेंगे, प्रदर्शन करते रहेंगे। लेकिन ओपीडी सेवाएँ बंद रहने से मरीजों को काफ़ी परेशानी गया में भी झेलनी पड़ी है। कैंपस जो है असुरक्षित है और लड़कियां भी आते जाते हैं, कोई भी आप अंदर आकर के घुस जाता है और कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। कल ही की घटनाएं कुछ बता रही हैं कि यहाँ पर कुछ शराब की नशे की हालत में कुछ लोग घुस गए और गर्ल्स हॉस्टल में ऊपर छत पर चढ़ गए। तो सुरक्षा तो बहुत ज़रूरी है, जब तक यहाँ पर डॉक्टर हर इस तरह की सुरक्षा के वातावरण नहीं रहेगा, बिना जब तक सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे लड़के और जो जूनियर डॉक्टर्स महिला जूनियर डॉक्टर्स हैं, तब तक कैसे कोई काम करेगा। इस परिस्थिति में काम करना किसी के लिए काफ़ी कठिन है, बहुत ही मुश्किल है। हम लोग चाह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन हो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट का, और ये जो मिसकंसेप्शन जो फैलाया जा रहा है अभी हम लोग को क्लियर करना चाहते हैं। और जो डिले देखा गया था, जैसे हम लोग नाम नहीं ले सकते, डॉक्टर डी बोल रहे हैं, डॉक्टर डी के जब गार्जियन पहुंचे थे वहाँ पे तो उनको 3 घंटा तक वेट करना पड़ा था। और पहले जो बताया गया कि वो सुसाइड है, उसके बाद हम लोग को पता चलता है कि वो एक बलात्कार, उसके बाद फिर पता अभी चल रहा है कि गैंग रेप है, तो हम लोग क्लियर चाहते हैं कि क्या हो रहा है। और इस तरह का आज दोबारा डॉक्टर डी के साथ जो हुआ वो हम चाहते कि अब दोबारा कभी ना हो, इसलिए हम लोग स्ट्राइक पे बैठे हुए। और जब तक हम लोग के तरफ गवर्नमेंट के द्वारा प्रॉपर कोई रूल और रेगुलेशन नहीं लाया जाता, हम लोग ये अपना मोकामा में भी इस घटना के विरोध में डॉक्टर्स हड़ताल पर रहे और मरीजों को काफ़ी परेशानी हुई है। चिकित्सकों की देशव्यापी हड़ताल का असर मोकामा में भी दिखा है। निजी और सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों ने इस हड़ताल में शिरकत की, ओपीडी सेवा को ठप कर दिया। चिकित्सकों की हड़ताल से अस्पताल में सन्नाटा पसरा रहा। चिकित्सकों की हड़ताल से दिन भर मरीज परेशान नजर आए। दूसरी ओर नाजवेद अस्पताल की नर्सें, चिकित्सकों और कर्मचारियों ने शहर में विरोध जुलूस निकालकर अपनी सुरक्षा की मांग की। मोकामा रेफरल अस्पताल में इमरजेंसी सेवा जारी रही। चिकित्सकों ने इस हड़ताल को सफल बताते हुए अपनी सुरक्षा की गुहार भी लगाई है। किन कारण से आप लोग हड़ताल पर हैं, क्या वजह है? जो अभी जूनियर डॉक्टर के साथ हमारे रेसिडेंट डॉक्टर के साथ हुआ है, उसके लिए हम लोग अभी हड़ताल पे हैं। हम लोग ओपीडी नहीं देखेंगे, ओनली इमरजेंसी देखेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं देखेंगे। क्या दिन भर आप लोग हड़ताल पर रहेंगे? हाँ हाँ, आज ही बन जब तक चलेगा, जब तक उसको उसके ये इंसाफ नहीं मिलता है, जब तक हम लोग रहेंगे।